ओम शांति। आज बाबा दे 3/12/2020 दे महावचन। बाबा ने आज अपने बच्चियां नु कहा, मिठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम युग ते तुहानु सच दा वरदान मिलदा है, इसलिए तुसी कदे भी झूठ नहीं बोल सकते हो। फिर बाबा ने प्रश्न पूछया, निर्विकारी बनन दे लई तुहानू बच्चियां नू केड़ी मेहनत जरूर करनी है। उत्तर विच बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी बनन दी मेहनत जरूर करनी है। फिर कुटी मना मत्थे दे विच आत्मा नू ही देखण दा अभ्यास करो। आत्मा होके आत्मा नाल गल करो, आत्मा होके सुनो, देह ते दृष्टि ना जावे। यही मुख मेहनत है। इस मेहनत विच विघन पैंदे हन, जिन्ना हो सके ए अभ्यास करो कि मैं आत्मा हाँ, मैं आत्मा हाँ। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मिठे बच्चियां नू बाबा ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि दा चक्र किमें फिरदा है। हुण तुसी बच्चे जानदे हो, सानू बाबा ने जो कुछ जानिया है, बाबा ने जो रस्ता दसिया है, ओ दुनिया विच कोई भी नहीं जानदा। आपे ही पूजनीय, आपे ही पुजारी दा अर्थ भी तुसी समझिया है। जो पूजनीय विश्व दे मालिक बनदे हन, ओही फेर पुजारी बनदे हन। परमात्मा दे लई इस तरह नहीं कहांगे, आपे पूजे आपे पुजारी, ये यीशु बाबा दे लई नहीं कहा जाएगा। हुण तुहानू स्मृति विच आया है, ए तां बिल्कुल सही गल है। सृष्टि दे आदि मद अंत दा समाचार बाप ही सुनाउंदे हन। अते किसनों भी ज्ञान दा सागर होर नहीं कह सकदे, ए महिमा श्री कृष्ण दी भी नहीं। श्री कृष्ण नाम ता शरीर दा है, ओ शरीर तारी है, उस विच सारा ज्ञान हो ना सकी। हुण तुसी समझदे हो, उस दी आत्मा ज्ञान ले रही है। ए वंडरफुल गल है ना, बाबा बिना ता कोई समझा ना सके। इस तरह ता बहुत साधु संत अलग अलग प्रकार दे हठ योग आदि सिखाउंदे रहंदे हन। ओ सारे हन भक्ति मार्ग। सतयुग विच तुसी कोई दी भी पूजा नहीं करोगी, उत्थे पुजारी नहीं बनदे हो। उसनों कहा जांदा है पूजनीय देवी देवता सी, हुण नहीं हन। ओही पूजे फिर हुण पुजारी बने हो। बाबा कहंदे हन ए भी पूजा करदी सी ना, सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नवी दुनिया विच एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहंदा है। बच्चियां नू स्मृति विच आया है, ब्रोबर ड्रामा प्लान अनुसार ए बिल्कुल सही है। गीता एपिसोड ब्रोबर है ना, बाबा कहंदे सिर्फ गीता विच नाम बदल दिता, शु बाबा दे बदले श्री कृष्ण दा नाम दे दिता। जिस समझाउण दे लई बाबा कहंदे तुसी मेहनत करदे हो। 2500 साल तो गीता कृष्ण दी ही समझ दे आए हो। हुण एक जन्म विच समझ जान कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई, इस विच टाइम तो लगदा है ना। इन्नी पुरानी गल जो पुराना विश्वास बनया, बाबा कह रहे हो एक जन्म विच समझ जान तो उसनों थोड़ा टाइम तो लगदा है ना। भक्ति मार्ग दा विच भी समझाया है, झाड़ किन्ना लंबा चौड़ा है ना। तुसी लिख सकते हो, बाबा सानू राजयोग सिखा रहे हन। बाबा कहंदे ज्ञान जिन्ना बच्चियां नू निश्चय हो जांदा है तां ओ निश्चय नाल समझाउंदे हन। निश्चय नहीं हुंदा तां खुद भी उलझ जांदे, किवें समझाइए,
कोई हंगामा तो नहीं हो जाएगा, है ना। अंदर एक डर लग्या रहता है, कोई बुरा ना मन जावे, कोई हंगामा ना हो जावे। लेकिन प्यार नाल जदों असी सही गल समझाते हाँ तो इस तरह कुछ भी नहीं हुंदा। बाबा कह रहे निडर हजे हुए होए ही नहीं, निडर उदों होणगे जदों पूरे देही अभिमानी बन जान। डरना तो भगति मार्ग विच हुंदा है। तुसी तो महावीर हो ना, दुनिया विच कोई नहीं जानदे कि माया ते जित किवें पौनी पाई जांदी है। तुसी बच्चियां नूं हुण समृद्धि विच आया है। पहला भी बाबा ने कहा सी मन मना पव, पतित पावन बाप ही आके ये समझाउंदे हन। बाबा कहंदे बच्चे देही अभिमानी पव, गीता विच अखर तां हन आटे विच लूण मिसल। हर एक बाबा कहंदे हर एक गल बाप निश्चय बिठाउंदे हन, हर गल विच निश्चय बुद्धि विजयंती। हुण तुसी बाप तो वरसा ले रहे हो। बाप कहंदे हन ग्रस्त व्यवहार विच जरूर रहना है, सबनों इत्थे आ के बैठन की कोई जरूरत नहीं है। सारे थोड़े सेंटर विच आश्रम विच आके बैठ जाएंगे, घर विच काम भी करना है। तो बाबा कह रहे ग्रस्त विच रहना है, सेवा करनी है। सेंटर्स खोलने हन, तुसी सैलवेशन आर्मी हो ना, ईश्वरीय मिशन है ना। पहला शूद्र मायावी मिशन दे सी, हुण तुसी ईश्वरीय मिशन दे बने हो। तुहाडा महत्व बहुत है। इस लक्ष्मी नारायण दी की महिमा है, जिमें राजा ही हुंदे हन और राज करदे हन। बाकी इन्हां नूं कहांगे सर्वगुण संपन्न विश्व दे मालिक, माना लक्ष्मी नारायण नूं। क्योंकि उस समय कोई होर राज नहीं हुंदा। ये बच्चे समझ गए हन कि विश्व दा मालिक किवें बणीए। भक्ति मार्ग विच देखो अनेक चित्र बनाए। असल विच बाबा कहंदे शिव बाबा दी पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर दी त्रिमूर्ति जो बनाउंदे हन ओह राइट है। फिर ये लक्ष्मी नारायण बस त्रिमूर्ति विच ब्रह्मा सरस्वती भी आ जांदे हन। भक्ति मार्ग विच किन्ने चित्र बनाउंदे हन, हनुमान दी पूजा करदे हन। तुसी महावीर बन गए हो ना, वो तो पूजा कर दे भक्ति मार्ग विच। और बाबा कह रहे तुसी बच्चे तो सच सच महावीर बन रहे हो ना। मंदिर विच कोई हाथी दी सवारी, कोई घोड़े दी सवारी दिखाई गई है। हुण इस तरह सवारी थोड़ी है, बाबा कहंदे हन ये है महारथी। हाथी दी सवारी माना के महारथी, घोड़े दी सवारी घोड़सवार और प्यादे जो चल रहे हैं। तो बाबा कहंदे उन्हां ने फिर हाथी दी सवारी बना दित्ती। ये भी समझाया है कि किवें गज नूं ग्रह खांदे हन, उसकी कहानी भक्ति विच सुनाई। तो बाबा कहंदे हन जो महारथी हन उसनों भी माया ग्रह हप कर लैंदी है। मगरमच्छ दिखाया है ना, पैर फड़ लिया भक्ति मार्ग विच, इदां दी कहानी बनाई है। तो बाबा कहंदे महारथी जो है उसनों भी माया ग्रह हप कर लैंदी है, फड़ लैंदी है। तुहानूं हुण ज्ञान दी पूरी समझ आई है। चंगे चंगे महारथियां नूं भी माया खा जांदी है। ये ज्ञान दीआं गल्लां हन, इसदा कोई वर्णन कर ना सके। बाप कहंदे हन बच्चे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हन। कलप कलप बाप कहंदे हन काम महाशत्रु है, इस विच ही तो मेहनत है। तुसीं विजय पाउंदे हो, प्रजापिता ब्रह्मा दे प्रजापिता दे बने हो तो भैण भाई हो गए ना। असल विच तुसी आत्मावां हो। आत्मा आत्मा नाल गल करदी है, आत्मा ही कन्ना नाल सुनदी है। ये याद रखना है। असी आत्मा नूं सुणाउंदे हां, देह नूं नहीं। असल विच आत्मावां भाई भाई हन, फिर आपस विच भाई भैण भी हन। शरीर ते नज़र पैन नाल ही विघन पैंदे हन। आत्मा नाल गल करनी है, आत्मा नूं ही देखना है। देह अभिमान नूं छड्डो। बाबा कहंदे इस समय तुसी देही अभिमानी बन वापस जाना है। ये नाम रख्या है पार्ट बजाउण दे लई, जो नाम भी पिया है वह भी एक शरीर दे विच, क्योंकि पार्ट बजाउणा है। बाबा कहंदे
कि नाम बिगड़ता कारोबार चल ना सके। ओ भी उथे भी कारोबार चलती है ना सतयुग विच भी, परंतु तुसी सतो प्रधान प्रधान बन जाते हो, इसलिए उथे कोई विक्रम नहीं बनगी। इस तरह का कोई भी कम तुसी नहीं करोगे जो विक्रम बनी, माया दा राज ही नहीं। हुण बाप कहंदे हन तुहानू आत्मावां नू हुण वापस जाना है, ये तां पुराने शरीर हन, फिर जाओगे सतयुग त्रेता विच, उथे ज्ञान दी जरूरत नहीं। इत्थे तुहानू ज्ञान क्यों दिंदे हन? क्योंकि दुर्गति नू पाए हो, कर्म तां उथे भी करना है, परंतु उथे अकर्म हो जांदा है। हुण बाप कहंदे हन हथ कारड़े दिल यारड़े, मना हथ ना काम करो और दिल नाल बाबा नू याद करो। आत्मा याद बाप नू करदी है। सतयुग विच तुसी पावन हुंदे हो ता सारी कारोबार पावन बन जांदी है। तमो प्रधान रावण राज विच तुहाडी कारोबार खोटी हो जांदी है, इसलिए मनुख तीर्थ यात्रा आदि ते जांदे हन। सतयुग विच कोई पाप नहीं करदे जो तीर्थ यात्रा ते जाना पवे। उत्थे तुसी जो कम करदे हो वो सत्य ही करदे हो, सत दा वरदान मिल जांदा है। योग बल नाल तुसी मालिक बनदे हो, योग बल मुख है। इस समय पवित्र बन दी मेहनत करनी है। अच्छा, बाबा ने लास्ट विच फिर बच्चियां नू इशारा क्या दिता? बाबा कहंदे तुहाडी एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए है। बाबा ने याद प्यार दिता, मिठे मिठे सिक्की लदे बच्चियां प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार अते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चियां नू नमस्ते। धारणा लई मुख सार है, पहला, किसी भी गल विच संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छड़नी है। पहला ता पावन बनन दे लई एक बाप नू याद करना है, दूसरियां गल्लां विच नहीं जाना है। दूसरा, शरीर ते नजर जान नाल विघन पैंदे हन, इसलिए मत्थे विच देखना है। किस नू देखना? आत्मा नू देखना है। आत्मा समझ, आत्मा नाल गल करनी है, आत्म अभिमानी बनना है, निडर बन के सेवा करनी है। वरदान है आज दा, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियां रूपी कलयुगी पहाड़ नू समाप्त करन वाले समृद्धि स्वरूप भव। विस्तार नाल दस्या, दिल शिकस्त होना किसी भी संस्कार जां परिस्थिति दे वशीभूत होना, व्यक्ति या वैभवां दी तरफ आकर्षित होना, ए सारियां कमजोरियां रूपी कलयुगी पहाड़ नू दृढ़ संकल्प दी उंगली दे के सदा काल दे लई समाप्त करो अते विजयी बनो। विजय साडे गले दी माला है, सदा इस समृति नाल समृद्धि स्वरूप बनो। ए स्नेह दा रिटर्न है, जिवें साकार बाप ने स्थिति दा स्तंभ बन के दिखाया, इसे तरह फॉलो फादर कर सर्व गुणा दे स्तंभ बनो। स्लोगन है, साधन सेवावां दे लई हन, आराम पसंद बनन दे लई नहीं। साधन सेवावां दे लई हन, आराम पसंद बनन दे लई नहीं। ओम शांति।